नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस शानदार सेशन में। आज का जो ये सेशन है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको स्पिनिंग प्रिपरेशन का जो भी स्पिनिंग प्रिपरेशन में है वो सब कुछ क्लियर कराने वाला हूँ, जो भी एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो सब क्लियर कराने वाला हूँ। ये जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो सकती है, तो इसके लिए आपको इस वीडियो में बने रहना है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा ध्यान से देखना है, तो इसमें जो भी संभव हो सकेगा, जो भी एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं फ्लो चार्ट ऑफ स्पिनिंग। स्पिनिंग में फ्लो चार्ट स्पिनिंग का क्या है? तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा फील्ड से कॉटन आता है वो कॉटन फाइबर्स हमारा सबसे पहले स्पिनिंग इंडस्ट्रीज में जिनिंग प्रोसेस में आता है। कॉटन हमारा फील्ड से या कॉटन हमारा सीट बॉल्स के रूप में आए, हमारा कॉटन बेल्स के रूप में आए, तो वो पहले जो कॉटन आता है वो पहले जिनिंग में जाता है। जिनिंग में क्या होता है, यहाँ हमारी एक बेल बना ली जाती है, कॉटन कंप्रेस्ड किया जाता है, एक बेल के रूप में तैयार कर लिया जाता है। फिर इसकी ओपनिंग एंड मिक्सिंग होती है, जो हमारी ब्लो रूम में कम्प्लीट होती है। ओपनिंग मिक्सिंग में जो कॉटन वॉल्स हैं इनको क्या है, ओपन किया जाता है, और कई क्वालिटी के कॉटन हमारे होते हैं तो इनकी मिक्सिंग की जाती है। ठीक है, लो ग्रेड का हो सकता है, हाई ग्रेड का हो सकता है, मीडियम ग्रेड का भी हो सकता है, तो इसकी वहाँ ओपनिंग की जाती है और मिक्सिंग भी होती है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा जाता है गाइडिंग के लिए। ओपनिंग एंड मिक्सिंग के बाद फिर ब्लो रूम के लिए जाता है, और उसके बाद कार्डिंग में जाता है। ब्लो रूम में ओपनिंग और मिक्सिंग हो गई, उसके बाद वो जो हमारा मटेरियल है वो जाता है कार्डिंग में। कार्डिंग में हमारा एक यूनिफॉर्म क्या स्लाइवर के रूप में चेंज हो जाता है, और फिर वो जाता है हमारा ड्राफ्रेम में। ड्राफ्रेम के बाद अगर हमें कार्ड वो कॉम्बिंग याद चाहिए होता है तो उसके लिए कॉम्बिंग के लिए कॉम्बर के लिए चला जाता है, यदि कार्डर चाहिए तो कॉम्बर की प्रोसेस हट जाती है, और ड्राफ्रेम के बाद सीधे हमारा ड्राफ्रेम के बाद सीधा सिम्प्लेक्स के लिए चला जाता है मटेरियल। ठीक है, सिम्प्लेक्स के बाद जाता है रिंग फ्रेम में, और रिंग फ्रेम के बाद वाइंडिंग होती है। रिंग फ्रेम में हमारा कम्प्लीटली यार्न बन जाता है, और फिर इसकी वाइंडिंग होती है, फिर ट्विस्टिंग, और लास्ट में पैकिंग हो जाती है। तो सबसे पहले इसकी प्रोसेस हम देखेंगे जिनिंग। जिनिंग बेसिकली होती क्या है, तो देखिए जिनिंग में क्या होता है कि जो ये जिनिंग प्रोसेस है वो हमारी स्पिनिंग इंडस्ट्री की पहली प्रोसेस है। आप जैसा मैं एग्जाम में बताता हूँ सेम वैसा ही एग्जाम में लिखिएगा, तो जिनिंग जरूर आएगी। जिनिंग में जिनिंग हमारी तीन प्रकार की मशीनें यूज होती हैं, तो तीन में से एक आ सकती है, और ये भी आ सकता है कि ऑब्जेक्ट क्या है जिनिंग के, बस डेफिनेशन नहीं पूछेगा, ये सिर्फ आप नॉलेज के लिए देखिएगा। लेकिन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और टाइप्स ऑफ जिनिंग का एक पार्ट आ सकता है। तो जिनिंग बेसिकली क्या होती है, जो यार्न बनाने की एक पहली प्रोसेस होती है, और इसमें कॉटन फाइबर्स को कॉटन सीड्स से कॉटन फाइबर्स को अलग किया जाता है। क्या किया जाता है, जो हमारे कॉटन आता है उसमें सीड्स होते हैं, नेप्स लीफ्स आदि होते हैं, तो इनसे कॉटन फाइबर्स को अलग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, तो ऑब्जेक्टिव देखिए, कॉटन फाइबर को कॉटन सीड से अलग करना, नेप्स व वेस्टेज को अलग करना। अब जाहिर सी बात है कि जो हमारा कॉटन आता है उसमें नेप्स होंगे, वेस्ट कई तरीके के होंगे, यानी लेप्स होंगी, डस्ट होंगी आदि, बहुत ही सी इम्प्योरिटीज होती हैं, तो इनको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। और विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ लाइक पत्तियाँ हैं हमारी, जो भी गंदगी वगैरह है, बीज है, सीड्स है आदि को अलग किया जाता है। यही तीन मेन ऑब्जेक्ट हैं जिनिंग के। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, टाइप्स ऑफ जिनिंग। जिनिंग के क्या क्या टाइप्स हैं, तो पहला हमारा है नाइफ रोलर जिनिंग, ठीक है, दूसरा हमारा है सा जिनिंग, और थर्ड हमारा है मैकार्थी जिनिंग। तो इन तीन जिनिंग में से एक जिनिंग तो एग्जाम में आनी ही आनी है। पहला हमारा नाइफ रोलर जिनिंग, दूसरा सा जिनिंग, तीसरा मैकार्थी जिनिंग, ठीक है, तो इन तीन में से एक जिनिंग जरूर आएगी। तो आइए हम वन बाय वन बात करते हैं। तो पहला हम बात करेंगे नाइफ रोलर जिनिंग की।
तो ये नाइफ रोलर जिनिंग क्या होता है? इस जिनिंग मशीन में कॉटन फाइबर्स को सीड से अलग करने के लिए क्या नाइफ का, इसके नाम से ही आप जानते होंगे कि नाइफ रोलर जिनिंग क्या है, तो जिनिंग मशीन में क्या कॉटन फाइबर्स को सीड यानी कॉटन फाइबर को जिनिंग में क्या किया जाता है, सीड लीफ आदि से अलग किया जाता है। तो इन सबको अलग करने की प्रोसेस जो होती है वो नाइफ के द्वारा कंप्लीट होती है और इसी को हम नाइफ रोलर जिनिंग बोलते हैं। ये जो जिनिंग है वो 1/32 इंच लेंथ के स्टेपल फाइबर्स को, अब यहाँ पे फाइबर्स की लेंथ दे रखी है तो लेंथ हमारी है 1/32 यानी 33/32 इंच लेंथ के स्टेपल फाइबर के लिए प्रयोग की जाती है नाइफ रोलर जिनिंग। और इसमें जो मीडियम लॉ और मीडियम लॉ ग्रेड से मीडियम ग्रेड तक को कॉटन का प्रयोग किया जाता है, अब इसमें लॉ ग्रेड और मीडियम ग्रेड के कॉटन का प्रयोग किया जाता है। नाइफ रोलर जिनिंग में ट्रेस की मात्रा अधिक होती है, ट्रेस यानी जो भी इम्प्योरिटीज होती है इसकी मात्रा अधिक होती है, वह मशीन का क्लीनिंग पॉइंट अधिक होता है। ठीक है, अब देखिए तो था नाइफ रोलर जिनिंग के बारे में और इसकी प्रोसेस देखिए क्या है। एग्जाम में आप थोड़ा नाइफ रोलर जिनिंग के बारे में लिखना, फिर इसकी प्रोसेस लिख देना और फिगर बना देना, बस आपको कंप्लीट 5 नंबर पूरा मिल जाएगा। तो प्रोसेस देखिए इसकी क्या है। कॉटन सीट को एक टेबल के ऊपर रखा जाता है, पहले जो हमारा मटेरियल होता है इसको एक बड़ी टेबल होती है इसके ऊपर रख देते हैं, और एक हॉपर होता है, हॉपर की सहायता से धीरे धीरे क्या किया जाता है नीचे की ओर दबाया जाता है, नीचे की ओर पुश किया जाता है। इसमें नाइफ रोलर लगा होता है जो कि कैसा घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। कैसा घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अभी इसमें एक नाइफ लगा रहता है जो इस प्रकार एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, और नाइफ रोलर की बगल में एक लेदर कवर जिनिंग रोलर लगा रहता है जो कि कैसा घूमता है, जो लेदर कवर रोलर लगा रहता है वो क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज में घूमता है। लेदर रोलर की जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, खुरदरी होती है, जिससे क्या होता है कि फाइबर इस रोलर की, अब इसकी सरफेस जब खुरदरी होगी तो जो फाइबर्स होगा वो इस रोलर की सरफेस पर क्या होगा, चिपक जाएगा तथा जिनिंग रोलर की दिशा में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेदर रोलर की जो स्पीड होती है वो हमारी 120 से 150 राउंड पर मिनट तक होती है, और नाइफ रोलर की जो स्पीड होती है वो 250 से 300 RPM तक होती है। ठीक है, अब देखिए इसकी कुछ मेरिट्स हैं यानी इसके कुछ गुण हैं, तो देखिए क्या है नाइफ रोलर के मेरिट यानी गुण। तो नाइफ रोलर जिनिंग मशीन शॉर्ट और मीडियम स्टेपल फाइबर के लिए उपयोग करते हैं, जो मैंने भी आपको बताया ऊपर वर्किंग, और इसका प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, इसका जो प्रोडक्शन होता है वो ज्यादा नहीं होता है। डीमेरिट क्या है, तो देखिए नाइफ रोलर के तो इस मशीन में जो नेप्स हमारी होती हैं यानी जो गांठें होती हैं उनका जेनरेशन जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और यहाँ पे ये हमारी पूरी जो फिगर है वो दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फिगर दिया है नाइफ रोलर जिनिंग मशीन का। तो देखिए इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा, बस यही पूरा फिगर एग्जाम में बना दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं सेकेंड जिनिंग हमारी मैकार्थी जिनिंग की। तो इस मशीन में लॉन्ग स्टेपल कोटिंग फाइबर के लिए प्रयोग करते हैं, इसमें क्या किया जाता है, हम उसमें तो शॉर्ट स्टेपल लेंथ के फाइबर्स यूज करते थे और इसमें हम लॉन्ग स्टेपल कोटिंग फाइबर्स का प्रयोग करते हैं। इस मशीन की सहायता से हम क्या करते हैं, लॉन्ग स्टेपल कॉटन फाइबर्स व सीड्स को आसानी से अलग किया जा सकता है। इसमें क्या किया जाता है कि लॉन्ग स्टेपल कॉटन फाइबर्स से सीड्स आदि को आसानी से हम मैकार्थी जिनिंग के द्वारा अलग कर सकते हैं। और इस मशीन में क्या होता है, प्रमुख आइसलैंड तथा इजिप्शियन कॉटन के लिए प्रयोग की जाती है। जो मशीन होती है हमारी मैकार्थी जिनिंग, ये प्रायः हमारी आइसलैंड और इजिप्शियन कॉटन के लिए प्रयोग करते हैं। यह मशीन अच्छी तरह की कॉटन को साफ करने में प्रयोग की जाती है, जो हमारी गुड क्वालिटीज की कॉटन होती है उनको आसानी से क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए हमारी प्रोसेस क्या है इसकी, वो दिखिएगा। ठीक है,
प्रोसेस क्या है इसकी, कॉटन को सर्वप्रथम क्या करते हैं, फीड टेबल पर फैलाकर हॉपर में डाला जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम कॉटन को एक फीड टेबल पर फैलाते हैं और इसको हॉपर में डाल देते हैं। यहाँ पर एक लीडर, हमारा लीडर कवर रोलर लगा होता है, जो कि क्या, जो कि मतलब मूव करता रहता है, और इसके वाइन तरफ एक फीड वार लगा होता है जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। और इसमें क्या होता है, एक डॉक्टर नाइफ लगी होती है जो कि वर्टिकल दिशा में लगी होती है। जब मटेरियल हॉपर से मशीन में प्रवेश करता है तब क्या होता है कि जो भी मशीन के पार्ट्स होते हैं वो अपना कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, तथा कॉटन के ऊपर एक स्नैच वर्क होता है जिससे फाइबर सीड से अलग हो जाता है। फिर ये क्या करता है, स्टेप बीटर ब्लेड से कनेक्टिंग रोड का मोशन करता है। अब जो क्रैंक से कनेक्ट होती है, क्या किसे कनेक्ट होती है, क्रैंक से कनेक्ट, तथा जो हमारी डॉक्टर नाइफ होती है उस वो क्या ऊर्ध्वाधर में चलाती है, उसको क्या कहते हैं, डॉक्टर नाइफ को ऊर्ध्वाधर में चलाती है। इस मशीन को क्या कहते हैं, चलाने के लिए टू हॉर्स पावर की मोटर की आवश्यकता है। यहाँ पे हॉर्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा हाउस। इस को चलाने के लिए टू हाउस पावर की मोटर की आवश्यकता होती है, और इसका जो प्रोडक्शन है वो 80 किलोग्राम पर आवर आता है। ठीक है, इस मशीन में प्लेट की सहायता से मटेरियल को आगे बढ़ाया जाता है, और इस प्लेट की जो सतह होती है, सरफेस होती है, वो खुरदरी होती है, तथा ये क्या करता है, धीमी गति से आगे बढ़ता है। अब इसका डायग्राम देखिएगा, ये रहा इसका डायग्राम, ये रहा इसका डायग्राम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सार्जनिंग की। तो इस मशीन का प्रयोग जो होता है वो हमारा इंडियन, ज्यादातर हमारी कॉटन इंडस्ट्रीज में, इंडिया में, इंडिया जो सार्जनिंग की यूज की जाती है। ठीक है, तो इसका जो प्रयोग होता है वो इंडियन कॉटन और अफ्रीकन कॉटन के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, मुख्यतः हम स्टेपल मीडियम लेंथ और लो स्टेपल लेंथ कॉटन का यूज करते हैं। ठीक है, मीडियम स्टेपल लेंथ, और हमारी जो इंडिया में स्टेपल मीडियम स्टेपल लेंथ का ही कॉटन यूज होता है। ठीक है, अब इसकी प्रोसेस देखिएगा कि इसकी प्रोसेस क्या है। तो इस मशीन में क्या होता है, इंडियन कॉटन जिसकी जो स्टेपल लेंथ होती है वो हमारी जो हमारी नाइफ रोलर की स्टेपल लेंथ होती है वही इसमें यूज होती है। तो इसमें भी 33x32 इंच के लगभग स्टेपल फाइबर के लिए प्रयोग किया जाती है। इसकी जो स्टेपल लेंथ होती है वो हमारी 33 से 32 इंच के आसपास होती है, और इस प्रक्रिया में फाइबर्स अत्यधिक टूटते हैं। सर्वप्रथम क्या होता है, हमारा मटेरियल को हॉपर लैटाइस के द्वारा इंड पॉइंट तक पहुंचता है। यहाँ क्या होता है कि दो रिवॉल्विंग स्टार रोलर्स लगे होते हैं। इन दोनों रोलर के बीच में कॉटन सीड के हिसाब से डिस्टेंस की सेटिंग करते हैं। इन दोनों रोलर्स के बीच सीड कॉटन आता है। ठीक है, अब दो इस प्रकार दो रोलर लगे होते हैं, अब इन दोनों रोलर के बीच हमारा सीड कॉटन आता है। तो क्या होता है, एक तो हमारा क्लॉकवाइज घूमता है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तथा ब्रश रोलर की स्पीड से स्टार रोलर से अधिक होती है। अब इसमें एक ब्रश रोलर लगा होता है जो क्या करता है, हमारी क्लीनिंग करता है। अब ब्रश रोलर की स्पीड, अब इसकी जो ब्रश रोलर की स्पीड होगी वो स्टार रोलर की स्पीड से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, और जिससे सीड की सतह से क्या होगा, फाइबर्स अलग हो जाएंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बीच जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं, जिसकी स्पीड 400 आरपीएम होती है, तथा प्रोडक्शन जो इसका होता है वो हमारा 280 किलोग्राम पर आवर तक होता है। और इस मशीन को चलाने के लिए भी 7 हॉर्स पावर की मोटर की आवश्यकता होती है। अब इसका आप डायग्राम देख लीजिएगा और बना दीजिएगा। ठीक है, ये रहा डायग्राम। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, प्रेसिंग एंड वॉलिंग। पिछले साल भी एग्जाम में आया था और इस बार भी एग्जाम में आएगा, प्रेसिंग एंड वेलिंग। इस पर शॉर्ट नोट्स आता है, और मिक्सिंग और ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्सिंग एंड, इस पर भी शॉर्ट नोट्स आएगा। तो ये आप ध्यान से देखिएगा, जरूर एग्जाम में आता है। तो पहले देखिए प्रेसिंग एंड वेलिंग क्या होता है। प्रेसिंग के नाम से ही आप समझते होंगे कि क्या किया जाता है, एक प्रेशर दिया जाता है जो हमारे कॉटन मटेरियल होता है, इसको
प्रेशर प्रेशर दिया जाता है, और वेलिंग क्या होता है, जब उसको कंप्रेस्ड कर लिया जाता है तो उसको कंप्रेस्ड करके एक प्लास्टिक या कोई रस्सी से बांध लें तो वही हमारा वेलिंग कहलाता है। तो देखिए जिनिंग प्रोसेस के पश्चात जो कॉटन से सीड्स व अन्य अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं, परंतु जो हमारी जिनिंग जिनिंग के पश्चात तो मिली हुई कॉटन लूज फॉर्म में होती है। जिनिंग के पश्चात जो हमारी कॉटन होती है वो लूज फॉर्म में हो जाती है, जिसका उसी अवस्था में ट्रांसपोर्ट करना इम्पॉसिबल होता है। अब देखो जब जिनिंग हो जाती है तो उसका जो ट्रांसपोर्ट हम करें, अब जब जिनिंग होगी तब कॉटन हमारा इस ऐसा था, इस टाइप का था, और जब इसकी जिनिंग हो जाएगी तो इसका जो हमारा वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी, आयतन इसका बढ़ जाएगा। अब जब ये बड़ा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसको ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम उत्पन्न होगी, यानी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ट्रांसपोर्ट हमारा कम हो, ठीक है, और हमारा जो भी एरिया कवर होता है वो कम हो, तो इसके लिए हम इसकी पैसिंग एंड वेलिंग करते हैं बस। अब इसके लिए जो लूज कॉटन है इसको क्या किया जाता है, कंप्रेस्ड करके एक बेल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। कंप्रेस्ड करके क्या किया जाता है, एक बेल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसे जब उसको कंप्रेस्ड करेंगे तो उसे फिर क्या करेंगे, मजबूत तारों से हम बांध देते हैं, कोई तार होता है अथवा कोई प्लास्टिक होती है इससे हम बांध देते हैं। अब भारत में सामान्यतः जो हमारी बैल्स बैल का वजन होता है वो 226.8 किलोग्राम होता है, लेकिन यहाँ पे ये गलत लिखा है, ठीक है, ये यहाँ पे गलत लिखा है। भारत में जो हमारी सामान्यतः बैल होती हैं उनका जो वजन होता है वो हमारा होता है 160 से 180 के बीच, इतना इसका वजन होता है जो हमारी इंडिया में बैल होती हैं। और विभिन्न देशों में बैल के वजन अलग अलग मानक होते हैं, विभिन्न अलग अलग देशों में अलग अलग वजन के कॉटन की बैल बनाई जाती हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था प्रेसिंग एंड वेलिंग का। और अब हम देखते हैं मिक्सिंग, कि मिक्सिंग क्या होती है। अब इसके भी आप नाम से ही समझते होंगे कि मिक्सिंग बेसिकली क्या होती है। तो मिक्सिंग क्या होती है कि मिक्सिंग में दो या दो से अधिक प्रकार के हम नेचुरल फाइबर और मेन मेड फाइबर को मिलाया जाता है। देख लोगे आप बना के भी लिख सकते हो कि मिक्सिंग में क्या होता है कि दो या दो से अधिक हम नेचुरल और मेन मेड फाइबर को मिलाते हैं। मिक्सिंग के प्रोसेस में एक ही प्रकार के फाइबर को अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। मिक्सिंग के प्रोसेस में क्या होता है, हम एक ही प्रकार के फाइबर्स को अच्छी से तरीके से मिक्स करते हैं, ठीक है, ओके, इतना समझ के। ऑब्जेक्ट क्या है मिक्सिंग के, तो देखिए मिक्सिंग का जो उद्देश्य है यानी ऑब्जेक्ट है वो छोटे फाइबर्स और बड़े फाइबर्स का अनुपात पूरे याद में बराबर रहता है, ठीक है। अब कोई हमारी शॉर्ट स्टेपल लेंथ है, कोई हमारी मीडियम लेंथ है, ठीक है, शॉर्ट लेंथ है, कोई हमारी मीडियम लेंथ है। अब शॉर्ट और मीडियम लेंथ को मिक्स करके सिर्फ एक ही लेंथ के फाइबर्स में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वो हमारी मिक्सिंग कहलाएगी, ओके। तो अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट देखिए क्या है कि कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हाई क्वालिटी कॉटन फाइबर्स के साथ लो क्वालिटी कॉटन के फाइबर की मिक्सिंग की जाती है। अब हम अगर हाई क्वालिटी का ही कॉटन यूज करेंगे तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, अब जिसकी कॉस्ट ज्यादा होगी तो उसमें हमारा भी लॉस होगा, इंडस्ट्री का भी लॉस होगा, और क्या होगा कि उसकी वो ज्यादा मार्केट में जाएगा भी नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा लो क्वालिटी का कॉटन चलाते हैं, थोड़ा हाई क्वालिटी का। अब जब लो क्वालिटी और हाई क्वालिटी का मिक्स कर देंगे तो उसे बोलेंगे हम हाई क्वालिटी का ही, तो इससे इंडस्ट्री का प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, बने हुए प्रोडक्ट की इवननेस, जो यानी जिसे हम समानता बोलते हैं, उसके लिए भी मिक्सिंग करते हैं। जो हमारा मटेरियल होता है वो इवननेस बना रहे हैं तो इसके लिए भी हम मिक्सिंग करते हैं। फोर्थ ऑब्जेक्ट हमारा है मिक्सिंग का, जो ऑब्जेक्ट है वो भारी इंप्योरिटीज को क्या करना है, निकालना होता है, ठीक है। तो ये हमारा था मिक्सिंग और मिक्सिंग का ऑब्जेक्ट, ध्यान से आप देख लीजिएगा, एग्जाम में आता जरूर है। नेक्स्ट हम देखें ब्लेंडिंग, पर अब हम देखते हैं ब्लेंडिंग क्या होता है।
देखिए, ब्लेंडिंग एक प्रकार की ही, ब्लेंडिंग भी ही एक प्रकार की मिक्सिंग ही होती है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के नेचुरल फाइबर्स को मिक्स किया जाता है, परंतु ब्लेंडिंग में मिलाने का अनुपात निश्चित होता है। ब्लेंडिंग मुख्य रूप से ग्राफेन में की जाती है, तो जो हमारी मिक्सिंग थी वो हम ब्लोरोन से पहले करते थे, और ब्लेंडिंग जो है वो ड्राफ्टिंग मशीन में यूज करते हैं, ड्राफ्टिंग मशीन में यूज होती है। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं लिमिटेशन ऑफ मिक्सिंग की, मिक्सिंग की क्या लिमिटेशन है। तो देखिए, मिक्सिंग में प्रयोग होने वाले, पहला देखिए, मिक्सिंग में प्रयोग होने वाले कॉटन फाइबर्स की जो लंबाई है वो लगभग हमारी समान होनी चाहिए। नेक्स्ट, मिक्सिंग किए जा रहे कॉटन फाइबर्स में ट्रेस कंटेंट लेवल समान होना चाहिए। जो मिक्सिंग किए जा रहे कॉटन फाइबर्स होता है उसका ट्रेस कंटेंट लेवल समान होना चाहिए। फाइबर्स के अंदर मॉइस्चर कंटेंट समान होना चाहिए। जो हमारा कॉटन फाइबर्स होता है उसके अंदर क्या होना, मॉइस्चर जो कंटेंट होता है वो समान होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आते मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, तो आप इसके लिए आप बेबिंग में देखे, बेबिंग में मैंने आपको बताया रखा है, इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए। मिक्सिंग किया जा रहा है कॉटन फाइबर्स की नेचुरल प्रॉपर्टीज लगभग समान होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट हमारा है, मिक्सिंग किए जा रहे हैं कॉटन फाइबर्स का रंग लगभग समान होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हमारा रंग डिफरेंट होगा तो हमारा मटेरियल में चेंजिंग हो जाए, जो भी हमारा मटेरियल लास्ट में बनेगा उसमें भी चेंजिंग होगी, तो इसके लिए भी होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इम्पोर्टेंस क्या है मिक्सिंग का। तो देखिए, सिंथेटिक मटेरियल की मिक्सिंग कर प्रोडक्शन की कॉस्ट कम की जाती है। सिंथेटिक मटेरियल की मिक्सिंग कर प्रोडक्शन की कॉस्ट कम की जाती है और क्वालिटी भी हमारी कंट्रोल की जाती है। मिक्सिंग करने वाले मिल को मिक्सिंग की ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है और मिल्स को यूनिफॉर्म कंडीशन में चलाया जा सकता है, ठीक है। तो वही है जो मैंने अभी आपको बताया, समझा रखा था। टाइप से देखिए, मिक्सिंग क्या है। तो मिक्सिंग सामान्यतः जो हमारी होती है वो तीन प्रकार की होती है। पहली हमारी है बिन मिक्सिंग, ठीक है। तो मिक्सिंग के टाइप से भी आपको एग्जाम में मिक्सिंग के बारे में थोड़ा लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट में लिखना है, उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ मिक्सिंग लिखना है। इम्पोर्टेंस लिख दीजिएगा तो इसका एग्जामिनर पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और वो आपको पूरा नंबर दे देगा अगर आप इम्पोर्टेंस लिख सकते हैं। तो पहला हमारा है बिन मिक्सिंग। तो बिन मिक्सिंग क्या होता है, बिन मिक्सिंग में कॉटन की बेल्स को ओपन करके क्रीपर लेटराइज या फीड लेटराइज के पीछे रखा जाता है, ठीक है, जो कि बेल्स को उचित मात्रा में हॉपर के अंदर ले जाता है। हॉपर के अंदर कॉटन को हिलाने की उचित व्यवस्था होती है जिससे कॉटन अच्छी तरह मिक्स हो जाता है, ठीक है। हॉपर के अंदर क्या होता है, कॉटन को ऐसे ऐसे मिक्स खूब किया जाता है जिससे कॉटन की मिक्सिंग अच्छी तरीके से हो जाती है। सेकेंड हमारा है स्टॉक मिक्सिंग। तो इसमें क्या होता है, स्टॉक मिक्सिंग में डिफरेंट टाइप्स के फाइबर को डिफरेंट या विभिन्न अनुपात में मिक्स किया जाता है। इस तरह के मिक्सिंग में 20 बैल को एक साथ एक जगह रखकर मिक्स करते हैं। स्टॉक इसके नाम से ही समझते हैं, एक बेल्स का स्टॉक लगा लिया जाता है। अब इन स्टॉक को एक साथ क्या किया जाता है, लगभग इस स्टॉक में 20 बेल्स को रखते हैं और एक साथ एक जगह रखकर क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और 12 से 14 घंटे तक इसको छोड़ देते हैं। और आजकल ये मेथड प्रयोग में अब नहीं लाया जाता क्योंकि इससे समान रूप से मिक्सिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। तो अब ये स्टॉक मिक्सिंग मेथड यूज नहीं होता है, अब ज्यादातर बिन मिक्सिंग और ये थर्ड वाला ऑटोमेटिक, या बहुत ही इंडस्ट्रीज में बहुत जगह तो ये ऑटोमेटिक मिक्सिंग ही यूज होने लगी है। तो ये क्या होता है, हमारा सामान्यतः कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आजकल ऑटोमेटिक मिक्सिंग का ही यूज किया जाता है। ये समान रूप से कॉटन को मिक्स कर देती है। इसमें बेल को ओपन करके कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है जो कि मिक्सिंग कंपार्टमेंट में कॉटन को लेयर बाय लेयर अरेंज करता है। एक कन्वेयर बेल्ट मशीन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऑटोमेटिक रूप से चलाती है जो कॉटन को समान रूप से कंपार्टमेंट में फैलाती है। सामान्यतः ऑटोमेटिक मिक्सिंग में मिक्सिंग के लिए 30 से अधिक लेयर बनाई जाती है।
यानी एक बेल ऐसे इस प्रकार उस बेल के 30 से अधिक लेयर बनाई जाती है। फिर इसको क्या किया जाता है, फिर इसको कंपोस्ट कर लिया जाता है, इस प्रकार बांध लिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है। नेक्स्ट जो कि पूर्व निर्धारित होती है, जब पूर्व निर्धारित लेयर पूरी हो जाती है तो कंपार्टमेंट के गेट खुल जाते हैं और मटेरियल स्पाइक लेटाइस के द्वारा चढ़कर रोलर तक पहुंचता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको जिनिंग की एक वीडियो बनाकर दिखाई थी, इंडस्ट्री वीडियो थी, वहां पर आप देख लीजिएगा हमारी ऑटोमेटिक मिक्सिंग यूज होती है, वहां पर कैसे हमारी बेल्स बांधी जाती है, कैसे बेल्स को कंप्रेस्ड किया जाता है, वो सब दे रखा है। चलिए, तो ये था मिक्सिंग। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है ब्लो रूम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्लो रूम। स्पिनिंग प्रिपरेशन में हमारे मेनली तीन ही हमारे यूनिट है, पहला हमारा है जिनिंग, दूसरा ब्लो रूम और तीसरा हमारा है कार्डिंग। तो आज हम जिनिंग पढ़ चुके हैं, अब हम ब्लो रूम देख लेते हैं। ब्लो रूम की जो भी मशीनें यूज होती हैं वो मशीनों को हम मशीनें देखेंगे और उसके बाद बचेगा हमारा कार्डिंग। तो ब्लो रूम में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है वो भी मैं आपको बताऊं। जिनिंग में मैंने आपको बता दिया, ब्लो रूम में कैसे आता है। तो ब्लो रूम में आपको आ सकता है, कभी कभी आ जाता है कि ब्लो रूम के ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, या ब्लो रूम पर एक शॉर्ट नोट से लिखने को आता है, तो उसमें आप ज्यादातर कुछ मत लिखिएगा, बस थोड़ा बहुत लगभग एक पेज तो आप लिख ही सकते हैं। ठीक है, कि ब्लो रूम में क्या होता है, ब्लो रूम में कौन कौन सी मशीनें यूज होती हैं। ठीक है, तो आप ऐसे तो इतना तो लिख सकते हैं। और जब क्वेश्चन बनता है 10 नंबर तक का आता है, कि 5 नंबर में क्वेश्चन बनता है कि ब्लो रूम की आपको एक मशीन दे रखी, जैसे इस प्रकार दे रखी है कि देखो यहाँ पे दे रखी परक्यूपाइन ओपिनर। अब यहाँ पे दे रखा है कि परक्यूपाइन ओपिनर क्या होता है। ठीक है, परक्यूपाइन ओपिनर के ऑब्जेक्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन इन द वर्किंग विद डायग्राम। ठीक है, तो इस प्रकार इसका क्वेश्चन आ सकता है, 5 नंबर में आएगा। ओके, तो आइए हम ब्लो रूम की हर एक मशीन वन बाय वन देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो अभी ब्लो रूम स्टार्ट करने से पहले आपको पहले तो करना होगा वीडियो को अपने सारे ग्रुप में शेयर। ठीक है, शेयर कर दो, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं वीडियोस बनाता रहूं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, फिर करें वीडियो को स्टार्ट। चलिए अब हम देखते हैं ब्लो रूम क्या होता है। ब्लो रूम पहला ऑब्जेक्ट देखिए ब्लो रूम के क्या है। तो ब्लो रूम के मेनली 2-3 ऑब्जेक्ट हैं, पहला ओपनिंग क्लीनिंग ब्लेंडिंग, ओपनिंग क्लीनिंग ब्लेंडिंग और लैब फॉर्मेशन, ये तो हमारे ऑब्जेक्ट हैं। तो ओपनिंग में क्या होता है, देखिए ओपनिंग, ओपनिंग वह हमारी प्रोसेस है जिसमें प्रेस्ड कॉटन बेल को छोटे छोटे टफ्ट में परिवर्तित किया जाता है। वो ओपनिंग के नाम से ही आप समझते होंगे, ओपन मतलब खोलना। तो हमारी जो भी कॉटन बॉल्स होती है, जो भी कॉटन के टफ्ट होते हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्लीनिंग। अब जो हमने उनको छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट किया, उनमें जो भी हमारे ट्रैश वगैरह मौजूद है, जो भी हमारी फॉरेन मटेरियल फॉरेन पार्टिकल है, उनको निकालना, क्लीन करना, वो हमारा क्लीनिंग के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लेंडिंग। ठीक है, अब ब्लेंडिंग बहुत प्रोसेस है जिसमें 2 या 2 से अधिक फाइबर्स को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। तो और एक यूनिफॉर्म यार्न बनाने की जो प्रोसेस, वो अब इसको 2 या 2 से अधिक हम फाइबर में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, वो हमारा ब्लेंडिंग में आता है। नेक्स्ट लैब फॉर्मेशन, ब्लो रूम से निकलने वाला मटेरियल लैब फॉर्म में बाहर निकलता है। ब्लो रूम से जो भी हमारा आउटपुट मिलता है वो हमारा लैब मिलता है। तो ब्लो रूम का एक ऑब्जेक्ट यह भी है कि लैब का सही से निर्माण हो, व इसके आगे वाली मशीनों में लैब इस इनपुट मटेरियल प्रयोग करते हैं। जो भी हमारा लैब आता है वो जो आगे नेक्स्ट मशीन, ब्लो रूम के बाद नेक्स्ट मशीन हमारी कौन सी होती है, कार्डिंग होती है। तो कार्डिंग में हमारा इनपुट क्या होगा, लैप होगा, और कार्डिंग से आउटपुट क्या निकलेगा, आउटपुट क्या हमें मिलेगा, वो हमें मिलेगा स्लाइपर।
कार्डिक से आउटपुट हमें क्या मिलेगा, वो मिलेगा सलाइवर। तो इतना समझ गए। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं ओल्ड ब्लू रूम। अब ओल्ड ब्लू रूम में हॉपर बेल ब्लेकर ये जो था वो हमारा ओल्ड था, लेकिन आजकल इंडस्ट्रीज में ये हॉपर बेल ब्रेकर है ही नहीं। तो इसका ऑब्जेक्ट पहले देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, है तो नहीं लेकिन हाँ एग्जाम में आ सकता है, तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा। तो देखिए हॉपर बेल ब्रेकर, हॉपर बेल ब्रेकर का मुख्य उद्देश्य इनपुट बेल को खोलना व भारी अशुद्धियां जैसे कि फॉरेन पार्टिकल्स है हमारी और जो भी हाईवे ट्रेस कंटेंट है उसको निकालना होता है। ठीक है, तो ये हमारा है यानी बेल ब्रेकर है। तो ब्रेकर मतलब तोड़ना, यानी जो भी हमारी बेल्स आते हैं उनको छोटे 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 पार्ट में तोड़ना। ठीक है, हॉपर बेल ब्रेकर ब्लोरूम लाइन की जो हमारी पहली लाइन होती है, इस मशीन में मटेरियल की ओपनिंग की जाती है। मिक्सिंग करने के पश्चात मिक्सिंग डिपार्टमेंट से प्राप्त मटेरियल या बेल को क्रीपर लैटाइस पर डाला जाता है। मशीन में मटेरियल क्रीपर लैटाइस से चलकर बॉटम लैटाइस पर गिरता है। बॉटम लैटाइस के एंड में मटेरियल हमारा इनक्लाइंड स्पाइक लैटाइस के संपर्क में आता है। स्पाइक इस प्रकार के लगे होते, सॉरी गलत हो गया, इस प्रकार के स्पाइक्स लगे होते हैं रोलर्स के ऊपर। ठीक है, तो इसके संपर्क में आता है। इस लैटाइस का क्षेत्र से झुकाव जो होता है वो 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच होता है। स्पाइक लैटाइस के शीर्ष इवनर हाई स्पीड रोलर लगा होता है जो बहुत तेज गति से चलता है। ठीक है, अब इसके शीर्ष पर क्या होता है, हमारा इवनर हाई स्पीड रोलर लगा होता है जो काफी स्पीड से चलता है। इवनर रोलर की सरफेस पर चार ब्लेड लगे होते हैं। इवनर रोलर और स्पाइक लैटाइस के शीर्ष रोलर का जो आकार होता है वो मटेरियल भेजना होगा, और यदि हमें मोटा आकार जो होता है वो समान होता है। इन रोलर्स की जो गति होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आगे कितना मोटा मटेरियल भेजना होगा, और यदि हमें मोटा मटेरियल आगे भेजना है तो बचे हुए मटेरियल को स्ट्रिपर रोलर के पीछे फेंक देते हैं, और स्ट्रिपर रोलर से फेंका हुआ मटेरियल दोबारा बॉटम लाइन पर गिरता है और वहां पर ज्यादा इनपुट मटेरियल प्रयोग होता है। तो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं वो देख लीजिएगा। तो इसके क्या पैरामीटर्स हैं, तो इसमें जो प्रोडक्शन हमारा होता है वो हमारा 250 से 350 किलोग्राम पर आवर से प्रोडक्शन निकलता है, और जो स्पाइक की टेनासिटी होती है वो हमारी 19.5 पर मीटर स्क्वायर होती है। जो स्पाइक का डाया होता है, जो हमारे स्पाइक लगे होते हैं इनका जो डाया होता है वो हमारा होता है 60 mm। ठीक है, तो ये कुछ हमारा टेक्निकल डाटा था। चलिए ये है हमारा हॉपर बेल ब्रेकर का डायग्राम, आप इसे बनाने की इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें देखिए यहाँ पे हमारे स्टिपर रोलर्स लगे हैं, और ये हमारे जो ये इस पे दांते से बने हैं ये हमारे हैं स्पाइक। ये हमारे क्या है, स्पाइक है, और नीचे जो है हमारा एक ग्रिड बार लगे हैं। ग्रिड बार का काम क्या होता है कि जो भी हमारे इम्पोर्टेंस जो भी हमारा फॉरेन पार्टिकल्स निकलते हैं वो इस ग्रिड बार की सहायता से, ग्रिड बार जो होता है वो इस रोलर से थोड़ा सा कनेक्ट रहता है। इसमें दांते बने रहते हैं, ग्रिड बार में इस प्रकार से दांते बने रहते हैं, और जो भी हमारे पार्टिकल होते हैं वो ग्रिड बार की सहायता से नीचे की ओर गिर जाते हैं। ठीक है, और ये स्पाइक लैटाइस है, इसकी सहायता से हमारा मटेरियल फीड होता है, और ये फलक्रम लगा हुआ है, फलक्रम। ओके, तो ये था हमारा पूरा हॉपर बेल ब्रेकर का चित्र, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसकी जो पीडीएफ है वो तो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर ही दूंगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो एग्जाम में आता ही है पॉर्क्यूपाइन ओपनर, इसके चांसेस रहते हैं एग्जाम में आने के। तो देखिए क्या होता है इस मशीन का उद्देश्य, अब देखिए ओपनर के नाम से आप समझते होंगे कि क्या इसका काम है, ओपनिंग करना, ब्रेकर है तो उसको तोड़ना। ठीक है, तो ओपनर लगा है, क्लीनर लगा है तो क्लीनिंग करना, अब ओपनर है तो ओपन करेगा, तो वही है इसका काम जो है मुख्यतः ओपनिंग करना और आगे की मशीन को मटेरियल फीड करना होता है। अब देखिए यह मशीन हॉपर बेल ब्रेकर की नेक्स्ट मशीन होती है, पहला हमारा हॉपर बेल ब्रेकर था और उसके बाद हमारा पॉर्क्यूपाइन ओपनर होता है। इसकी क्लीनिंग इफिशियंसी हाई होती है, इसीलिए लो ग्रेड कॉटन के लिए अवश्य प्रयोग की जाती है।
कॉटन को लेटाइस की सहायता से डायरेक्ट परक्यू पैन में डाल दिया जाता है और कॉटन को लेटाइस की सहायता से मशीन में डालते हैं तथा फीड रोलर ए और बी की सहायता से मटेरियल को कंट्रोल करते हैं। इसमें क्या होता है, एक सिलेंडर लगा होता है जिसकी परिधि पर ब्लेड लगे होते हैं। परिधि पर क्या होता है, परिधि मतलब बोले तो जिस भी हमारा सिलेंडर लगा है उसकी जो भी सरफेस होता है उस पर हमारे ब्लेड्स लगे होते हैं जिनको क्या होता है, मैं ब्लेंडिंग की सहायता से मटेरियल की ओपनिंग व क्लीनिंग करते हैं। तो ये थी हमारी परक्यूपाइन ओपनर की प्रोसेस। ओके, अब इसके कुछ पैरामीटर हैं वो भी देख लो भाई। क्या पैरामीटर हैं, स्पीड ऑफ परक्यूपाइन ओपनर, इसकी स्पीड दे रखी है हमारी 750 राउंड पर मिनट, और डायमीटर ऑफ पर रोलर, जो भी रोलर है उसका डायमीटर है वो हमारा है 24 इंच। प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन हमारा 3300 से 3400 किलोग्राम पर, इसका प्रोडक्शन कुछ ज़्यादा ही निकलता है। ओके चलिए, तो ये है हमारा परक्यूपाइन ओपनर का डायग्राम, वो आप देख लो ध्यान से भाई। ये तो हमारा वेस्ट चैम्बर है और ये मटेरियल यहाँ से आउटपुट होता है, ये परक्यूपाइन रोलर्स लगा होता है, ये स्पाइक होते हैं, ये हमारा गाइड रोलर होता है जो मटेरियल को गाइड किए रहता है, ये फीड रोलर होता है जो मटेरियल को आगे की तरफ फीड करता है, और मटेरियल गाइड रोलर के द्वारा परक्यूपाइन ओपनर से होता हुआ आउटपुट हो जाता है। ठीक है, गाइड रोलर क्या होता है, मटेरियल को एक गाइड करता है, इधर उधर निकलने नहीं देता है, और ये लैटाइस के द्वारा मटेरियल फीड किया जाता है, ऊपर गाइड रोलर लगे होते हैं, लैटाइस के ऊपर से मटेरियल होता हुआ जाता है, और ये ग्रिड बार होता है, ग्रिड बार की सहायता से जो भी अशुद्धियाँ होती हैं वो इस वेस्ट चेंबर में आती हैं और इसके द्वारा फिर बाहर निकल जाती हैं और इसका रिसाइकिल होकर दोबारा यहाँ इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा परक्यूपाइन ओपनर का डायग्राम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ERM क्लीनर क्या होता है। इस मशीन को लक्ष्मी रीटर ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता था, कुछ कुछ इंडस्ट्री में रीटर और लक्ष्मी LMW ही यूज होती हैं। ठीक है, तो इसको क्या किया जाता था, लक्ष्मी और रीटर ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, और ये जो है वो कॉटन की ओपनिंग व क्लीनिंग, इसके द्वारा कॉटन की ओपनिंग होती है और क्लीनिंग होती है। इस मशीन को मुख्य भाग, इस प्रेस मशीन के कुछ मुख्य भाग हैं वो हैं इनपुट यूनिट और लेमिनर ट्यूब और क्लीनिंग यूनिट मटेरियल। इस मशीन में क्या होता है, मटेरियल की सप्लाई जो होती है वो ट्यूब फीड सिस्टम के द्वारा की जाती है। इस मशीन में मटेरियल को एयर सक्शन के द्वारा, पाइप के द्वारा सप्लाई किया जाता है। अब मटेरियल जो ब्लो रूम में, जो मटेरियल ब्लो रूम का अर्थ ही है, ब्लो मतलब बहाव, या तो ब्लो रूम यानी क्या होता है, एयर का, यहाँ एयर का क्या होता है, संक्षण होता रहता है, तो एयर के द्वारा ही हमारा मटेरियल फिरता रहता है। ओके, तो क्लीनिंग यूनिट में मटेरियल को एयर करंट के द्वारा लेमिनर ट्रंक में सेपरेट किया जाता है, अधिक मटेरियल को लेमिनर ट्रंक में सेपरेट करके बाकी मटेरियल को टैंक में डाल दिया जाता है। तो ये होता है, मटेरियल को लोअर एंड के बॉटम से फीड किया जाता है, ट्यूब पर गिरना फोटो सेल के माध्यम से देखते हैं हम। ठीक है, जो हमारा फोटो सेल है हम उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसके लिए हम फोटो सेल का यूज करते हैं। अब जो हमारा मटेरियल होता है वो लेमिनर ट्रंक के बॉटम पर पहुंचता है, जहां पर प्लान ड्रम तथा डस्ट केज गाइड किया जाता है। ओके, तो इसका कुछ टेक्निकल डाटा है वो देख लो, और यहाँ पे ये हमारा ERM क्लीनर का पूरा डायग्राम है, आप इसे बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि आपका 27-28 को एग्जाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्टेप क्लीनर और सुपर क्लीनर और अल्ट्रा। अब ये स्टेप क्लीनर है हमारा, इसको हम सुपर क्लीनर के नाम से भी जानते हैं और इसको अल्ट्रा क्लीनर के नाम से ही जानते हैं। ये जो है इसके एग्जाम में आने के 90% चांसेस होते हैं, इसके एग्जाम में आने के 90% चांसेस होते हैं। तो
ब्लू रूम लाइन की बहुत इम्पोर्टेंट है, ब्लू रूम लाइन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए फील्ड में कॉपर एक्यूट फीड सिस्टम द्वारा पेडिंग की जाती है। इस मशीन में ओपनिंग व क्लीनिंग का कार्य बहुत इफिशियंटली होता है। यह मशीन हाई ग्रेड व मीडियम ग्रेड कॉटन के लिए उपयोग किया जाए, लो ग्रेड कॉटन के लिए इस मशीन का उपयोग नहीं करते हैं। इस मशीन में 6 मीटर लगे होते हैं व कुछ मशीन में क्या होता है, कुछ मशीन में 3 मीटर भी लगे होते हैं, लेकिन ज्यादातर मशीन में 6 मीटर ही लगे होते हैं। ओके, ये सभी मीटर 45 अंश के कोण पर झुके होते हैं, यानी 6 मीटर होते हैं और वो इस प्रकार से लगे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार लगे होते हैं तो लगभग, और इसकी जो रोटेशन होती है वो हमारी 500 से 600 आरपीएम तक होती है, जिससे इसमें क्लीनिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो वही प्रोसेस आप इसे पढ़ लीजिएगा। और ये है हमारा, देखिए इसमें हमारे ये बीटर लगे होते हैं, हमारे 6 बीटर हैं और इस प्रकार लगे। इसका जो फिगर है, डायग्राम है, वो काफी इजी है, तो देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारी है SRRL ओपनर। इसका काम भी ओपनिंग कॉटन की ओपनिंग करना ही होता है। है इसकी कुछ इसके बारे में, तो आप देखिएगा किस मशीन का प्रयोग जो होता है वो हमारी कॉटन की ओपनिंग के लिए करते हैं। इस मशीन में कई रोलर्स लगे होते हैं जो कि क्या मूव करते हैं। इस मशीन में कॉटन हॉपर या फीड या पीट लैब इसके द्वारा किया जाता है। इससे कॉटन बिन में जाता है। बिन के पहले एक मेटल डिटेक्टेड लगा होता है जो फीडिंग मटेरियल में मौजूद मेटल पार्टिकल को डिटेक्ट करने का कार्य करता है। इसके आगे क्या टूथ सिलेंडर्स लगे होते हैं जो कॉटन को ऊपर ग्रेड बार सिलेंडर तक पहुंचाते हैं। इस मशीन में बॉटम की रोलर का कम तथा ऊपर की रोलर की स्पीड अधिक होती है, यानी बॉटम रोलर की स्पीड कम और टॉप रोलर की स्पीड ज्यादा होती है। तो वही ये आप देख लीजिएगा ऐसे ध्यान से। ठीक है, पैरामीटर्स दिए हैं और ये इसका फिगर है, देखिएगा। और हमारे यहाँ पर सरली ओपनर है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। ये जो PDF है वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, ये जो हमारा है किधर गया, फीड रेगुलेशन, ये आता नहीं एग्जाम में, इसे मत पढ़िएगा, नहीं आएगा। लैप फॉर्मेशन मशीन का फाइनल आउटपुट होता है। ब्लोरूम से हमारी लैप ही मिलती है तो फाइनल आउटपुट होता है। इसमें कॉटन की क्लीन व ओपन हुई सीट का निर्माण होता है। इसमें केज रोलर लगे होते हैं जो मटेरियल को आगे की ओर बढ़ाता है। इसके पश्चात मटेरियल सिलेंडर रोलर से पास होता है जहाँ पर आवश्यकता अनुसार ड्राफ्ट किया जाता है। तो देख लीजिएगा लैप फॉर्मेशन। एक सिलेंडर बीटर दिया रखा है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक्सी फ्लो एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, आप पढ़ लीजिएगा ऐसे भी सही से। एक्सी फ्लो जो हमारा डायग्राम है आसान है। चलिए नेक्स्ट हमारा है कार्डिंग क्या होता है, तो आइए देख लेते हैं लगे हाथ कार्डिंग भी। या बताओ कार्डिंग, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि जो हमारा है वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। चलिए कार्डिंग आपको बस अभी इस लेक्चर के बाद आपको कार्डिंग बता दूंगा सही से, देख लीजिएगा। कार्डिंग का डायग्राम जो है वो आप बनाने के प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में तो आता ही जरूर ही है डायग्राम और इसके पार्ट्स एग्जाम में जरूर ही आते हैं। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में मैंने आपको जेनिंग और ब्लू रूम का सारा कॉन्सेप्ट कवर करवा दिया है। ओके, तो कार्डिंग बचा है, वो कार्डिंग मैं आपको कल बस इस लेक्चर के जस्ट बाद आपको कार्डिंग बता दूंगा क्योंकि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी होती होगी और आप भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे, इसीलिए आज की इस वीडियो को हम रखते हैं यहीं तक। ये जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा और इस PDF को एक दो बार आप बस वीडियो को देख लीजिएगा, एक बार नॉर्मली चलने देगा और दूसरी बार आप इसे 1.5 स्पीड से भी आप देख सकते हैं, 1.5 से देखिएगा और उसके बाद दो बार सिर्फ PDF पढ़ लेना, दो बार ये जो मैं PDF डालूंगा ये PDF पढ़ लेना, बस आपका एग्जाम आपके अगर बैक लग जाए तो हमसे कहना।
वह कह के लग ही नहीं सकती है गाइस, ठीक है। तो इसे तो आप पढ़ना ही पढ़ना। चलिए, वीडियो को शेयर कर दिया है तो अच्छा है। मिलेंगे अगले लेक्चर में।